तुमको जब पता नहीं है नालायक तो क्यों पूछते हो? ये बताइए माता जी, कैसे याद किया गुरु जी को? बोलिए। अरे गुरु, कैसे याद किया? अरे गुरु जी, हाँ, जो ये हमारी बिटिया है प्रकृति, ये जो भगवान बुद्ध के परम शिष्य नहीं है आनंद, अच्छा हाँ, उनके ऊपर इतना दीवाना हो गई है, इतना मोहित हो गई है, शादी करना चाह रही है, बस इसीलिए गुरु जी हमने उनको बुलाया है भोजन दान के लिए। और आप ऐसा करो, घर को चारों तरफ से बांध दो, कील दो, कि घर अगर आए भोजन दान के लिए तो घर से बाहर ना निकल पाए। अच्छा हाँ गुरु जी, ठीक है, अभी हो जाएगा बेटा कालेश्वर। हाँ गुरु जी, माता को की बात सुने, सामान लिखाओ, जाओ बेटा कालेश्वर, जाओ सामान लिखाओ, सुनो। अरे एक कुंटल लिखौ रंग हम तुमका साची बताई ते है भैया ढोल बने। अरे एक कुंटल लिखौ रंग हम तुमका साची बताई ते है जड़ाती हड्डी जायो कुमार गड्डी बेटा का रोशन सामान लिखवा दे क्या हुआ? बोले भगवान बुद्ध की, बाबा साहब जी मेरे प्रीतम बंधु, ऐसे ऐसे गुरु थे छलिया लोग जो आते थे उस समाज को लूटने का काम करते थे। आज कैसे कैसे मैया मातंगी को लूटते हैं, उसके बाद में चले जाएंगे और जादू टोना टटका कुछ नहीं चलने वाला। इधर मैया मातंगी तैयारी करवाती है और पूरी व्यवस्था कराती है, तैयारी होती है, जादू टोना टटका करवाती है, अपने घर को बंधवा देती है, लेकिन जादू टोना टटका कुछ नहीं चलने वाला।
भैया दो चार बाल्टी पानी रखवा दीजिए, गए वजह से आग वाग लाग गया भैया, हमारी जिम्मेदारी है, पानी रख दे आग लाग भाई ना करे। बोली भगवान बुद्ध की, बाबा साहब जी सब लोग थक के बैठे बैठे का हाथ आए उठत थे कोई थे आते में हमरे का लुकवा पकड़े हुए सभी लोग जोरदार के साथ में बोलो, बोली भगवान बुद्ध की, बाबा साहब जी संत श्रवण गुरु रविदास जी, आज मैया मातंगी तैयारी करवाती है और इधर तैयारी हो रही है कि शादी के लिए जो प्रकृति नाम की लड़की थी उसकी शादी हो जाए, इसीलिए मैया मातंगी पूरी तैयारी करवा रही होती है। मेरे प्रीतम बंधुओं, इधर जो बंगाल से आए हुए मातंगी के गुरु और चेला कैसे जादू करते हैं, कैसे षड्यंत्र रचते हैं, सभी लोग देखेंगे, शांति बनाए रखेंगे। बोली भगवान बुद्ध की, बाबा साहब जी आज इधर कैसे कैसे षड्यंत्र रचते हैं और कैसे कैसे टोना टटका करते हैं मेरे भैया। भैया पानी जल्दी मंगाओ, मैं तो की बंटी कि बंगाल से गुरु बुलायो है।
चलो बेटा कालेश्वर, बेटा कालेश्वर चलो पूजा चालू करो। सब बड़ा मस्त मिला है भैया, बड़ा तसला नहीं रहा। चलो तैयारी करो जल्दी, दूसरी जगह भी चलना है। Oh,
बेटा काले सर उनका उतार दो भैया। चलो हो गई पूजा, इसको भी हटा दो। बोली भगवान बुद्ध की, बाबा साहब जी चप्पल से नहीं लगा गोटो बेटा काले सर अभी घर भूल लो। चलो जल्दी की लो घर दूसरे जगह से चलना। बेटा कालेश्वर चलो चलते हैं दूसरी जगह भी चलना। घर गिर दे ऐसे और चलो जल्दी।